तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स वे। सो लास्ट वीक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, और लास्ट वीक बहुत ही इम्पोर्टेंट था। काफ़ी फंडामेंटल न्यूज़ थे और काफ़ी अच्छा वॉलीटिलिटी हमें मार्केट में देखने को मिला। बट लास्ट वीक कुछ कारण की वजह से वीडियो नहीं आ पाई, पर कोई नहीं, इस हफ्ते की वीकली फॉरकास्ट में ज़रूर दूंगा। और तो काफ़ी लेवल्स जो मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो वो हिट हुए हैं हमारे, जिससे उसके बेसिस पे ट्रेड लिया था उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि काफ़ी अच्छे से लेवल्स ने वर्क किया था। एंड अगर इस हफ्ते हमें देखा जाए तो जो हुआ है, गोल्ड जो है अपना फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों साइड बुलिश ही है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। प्लस नैसडैक हमारा बुलिश हुआ, लेकिन वो बुलिशनेस नहीं है, बस वो रिट्रेसमेंट है एक तरीके से। अदरवाइज वो अभी कंटिन्यू डाउन ही रहेगा जब तक जो हमारा प्रीवियस हाई था वो टूटेगा नहीं या न्यू हाई नहीं बन जाता। ऑयल ऑयल जो था वो टोटली बेरिश हो गया, फंडामेंटली इम्पैक्ट अच्छा खासा आया है, ऑयल पूरा बेरिश हो चुका है। और जेपीवाई के पेयर्स में हमने काफ़ी वॉलीटिलिटी देखी, 160 लेवल तक यूज से जेपीवाई गया है, जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीक आपको लेवल्स दिए थे, एक्यूरेटली वहाँ तक गया। और जीपी जेपीवाई का मुझे नहीं आइडिया था कि 200 लेवल तक ये चले जाएगा, बट एस मैंने कहा था आपको यूएसडी जेपीवाई में 160 लेवल, मेरे को जीपी जेपीवाई का नहीं आइडिया था। ये तो जेपीवाई के पेयर्स ने अच्छी वॉलीटिलिटी दिखाई इस बार। तो चलते हैं गोल्ड की तरफ। तो ये रहा गोल्ड का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है, और जैसे देख सकते हैं मार्केट ने अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लिया है। काफ़ी 18-19 अप्रैल के बाद अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला है। लास्ट वीक कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई है। हाँ, ऐसे अगर देखा जाए तो ये अराउंड $50 की मूवमेंट आई हुई है, और ये $50 की मूवमेंट गोल्ड में तो आम होती है, तो उसमें लास्ट वीक कुछ खास हमें वॉलीटिलिटी देखने को मिली नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो अब मार्केट है 2278 लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर वहाँ से नीचे क्लोजिंग में मिल जाती है तो मार्केट डाउन जा सकती है। सिमिलरली अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है 2350 के अब, तो हमें यहाँ से बुलिश साइड देखने को गोल्ड की मिल सकती है। तो अगर वीकली सपोर्ट अगर बोला जाए तो 2280 से लेके 86 का लेवल मिलेगा, और वीकली रेजिस्टेंस हमारा 2052 है। बुलिश है अभी भी गोल्ड फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों, और डिपेंड करता है रेट कट्स कब शुरू होंगी फेड के। तो ये था गोल्ड के बारे में। तो ये रहा क्रूड ऑयल का चार्ट, डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है, और अगर हम लोग देखें तो ये जो हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ की थी मार्केट ने मंडे 25 मार्च को, सॉरी मंडे 1 अप्रैल को एक अच्छी ओपनिंग दी थी, और जो वीकली क्लोजिंग आई थी वो अच्छी खासी ऊपर आई थी और इस ट्रेंड लाइन के अबव ब्रेकआउट हुआ था। बट उसके बाद मार्केट ऐसा लगा रिट्रेस करने आ रही है, बट लास्ट वीक जो स्ट्रांग मोमेंटम के साथ और जो कैंडल आप देख सकते हैं फुल लेंथ की कैंडल बनी है, तो स्ट्रांग बेयरिश मोमेंटम के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी है और ट्रेंड लाइन के अंदर दोबारा से आ गई है। तो इससे हमें यही मिल रहा है कि जो मार्केट थी वो यहाँ पे ट्रैप किए बायर्स को। और फिर अगर हम लोग यहाँ से हम लोग अगर देखें डेली टाइम फ्रेम की तरफ, तो यहाँ हमें मोमेंटम शिफ्ट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट जो है अभी अपने सपोर्ट लेवल पे ही खड़ी है, सो यहाँ से सेल करना कोई एक लॉजिक वाली बात तो नहीं है। वही थोड़ा सा वेट करके हम लोग 80.5 के अराउंड मार्केट के आने का वेट करें। 80.5 से लेके हमारे पास 82 का जो लेवल है, इसके बीच में हमारे पास रेजिस्टेंस एक अच्छा मिल रहा है, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू सेल देख सकते हैं। जो वीकली रेजिस्टेंस होगा वो हमारा होगा 83 का, एंड जो वीकली सपोर्ट है वो अभी मार्केट करंटली सपोर्ट पे ही खड़ी है, जो है 78.5। तो ये था क्रूड ऑयल के बारे में। तो ये रहा जीबी यूएसडी का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है, एंड जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी लास्ट टू लास्ट वीक, उसमें मैंने आपको बताया था 1.23 एक की सपोर्ट लेवल होगा, वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, और मार्केट एक्यूरेटली उसी लेवल से रिजेक्ट हुई है, और इस रेंज के अंदर दोबारा जाके वीकली क्लोजिंग हमें मिली है। अब दिक्कत यहाँ से ये है कि मार्केट ने मुश्किल से रेंज ब्रेक किया, अगेन दोबारा रेंज के अंदर आ गई। तो करेंसी पेज में यही इशू है कि ये रेंजिंग बहुत शो करती है, रेंज मूवमेंट इनमें बहुत ज़्यादा होती है। अब वही देखा जाए तो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल आ रहा है इसमें वो है 1.245 का, और जो वीकली
रेजिस्टेंस लेवल होगा वो है हमारा 1.27 का। सो ये था जीपी यूएसडी के बारे में। तो ये था जीपी जेपीवाई का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो काफ़ी दिन से जो मार्केट थी वो रेंजिंग मूवमेंट शो कर रही थी, और यहाँ पे वो बायर्स को सॉरी सेलर्स को फंसा रही थी, ताकि जो रिटेलर्स हैं यहाँ पे सेल करके फंसे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी कैंडल एक रिटेलर तो नहीं ला सकता, आप भी जान सकते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को बहुत अच्छा खेल खेला, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हिट हुए और 200 तक मार्केट को ले गए, 200 तक, आप समझ सकते हैं। तो जीपी जेपीवाई का मैं भी थोड़ा हैरान था ये जब मैंने चार्ट खोला, बट या यहाँ पे हमें इंस्टीट्यूशंस का खेल देखने को मिला है। सो अब मैसिव पंप के बाद मैसिव रिजेक्शन भी देखने को मिली है। सो जहाँ से मार्केट पंप लेना शुरू की थी वापस मार्केट वहीं आके खड़ी हो चुकी है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है कि हाई ब्रेक ज़रूर हुआ है, बट अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें, एक वीकली कैंडल ने क्लोज ओपन किया और एक ने क्लोज किया अंदर दोबारा से, तो ये हमारे फेकआउट की तरह ही कंसिडर किया जाएगा अनटिल अनलेस मार्केट यहाँ पे 2-3 दिन सर्वाइव करती है। तो जब तक 2-3 दिन सर्वाइव नहीं करती है, तब तक के लिए हमारे पास जो वीकली सपोर्ट हुआ वो हुआ 191.45 का, और वही जो वीकली रेजिस्टेंस होगा हमारा वो होगा 195.92 का। सेटअप चेंज हो सकता है, अगर यहाँ पे मार्केट 2-3 दिन स्टे कर जाती है तो हम लोग तो दोबारा से इस तरफ जाते मार्केट को जाते देखेंगे। ये था जीपी जेपीवाई के बारे में। तो ये रहा यूएसडी जेपीवाई का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। और जैसे ही मैंने आपको कहा था वीकली लेवल्स के अकॉर्डिंग 160 तक मार्केट गई और वापस उस लेवल तक आई 151 तक, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मूवमेंट, 1000 पिप्स का मूवमेंट आया है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लो टाइम फ्रेम में जरूर कोई ना कोई एक बुलिश पैटर्न बना ही होगा, जहाँ से रिजेक्शन पैटर्न बना होगा जहाँ से हम लोग फर्दर आगे ट्रेड कर सकें बुलिश मोमेंटम के साथ। बट यहाँ से थोड़ा सिनेरियो चेंज हो सकता है, मार्केट इस रेंज के अंदर जरूर आ सकती है 149 से लेके 150 के बीच में, ताकि एक बायर्स बाइंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले। डाउट ये भी है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, क्योंकि जो रिजेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। बट जब तक 151 के अबव है लेवल, 151 सॉरी 152 के अबव है, तब तक हम लोग इसे बुलिश ही देखेंगे। तो वही अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाके देखें तो एक अच्छा खासा रिजेक्शन में यहाँ से 152 के लेवल के अराउंड मिला है, और मार्केट दोबारा से यहाँ से बुलिश होने की कोशिश कर रही है। बट जब तक 152 के अबव है तो हम लोग इसको बुलिश ही कंसिडर करेंगे। एंड मैं अभी बाइंग का लेवल्स लिटरली 149 से लेकर 150 के बीच का ही सोच रहा हूँ कि वहाँ से एक अच्छी बाइंग निकल सकती है हमारे पास। फिलहाल यहाँ से भी अगर बाइंग आपको मिली तो आप जरूर बैठ सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा अच्छा खासा। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे प्रेडिक्शन चल रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें। और सॉरी वीकली एनालिसिस में मैं हमेशा एक दो हफ्ता मिस कर जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट ज़्यादा है, तो मुझे कुछ जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो ये था यूएसडी जेपीवाई के बारे में। तो ये रहा नैसडेक का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है। और लास्ट टू लास्ट वीक मैंने आपको वीडियो बनाया था जब आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट रिट्रेस हो सकती है थोड़ा, और बट मैंने आपको कहा था कि शायद यहाँ पे सपोर्ट पे जाके होगी, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ इतना तो मैंने कहा था कि मार्केट रिट्रेस जरूर करेगी, और मार्केट जरूर रिट्रेस की है, और अभी मार्केट जो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ही खड़ी है। रेजिस्टेंस ऐसे तो ये है, बट जो ये मूवमेंट आया है उसके हिसाब से रेजिस्टेंस मैं बता रहा हूँ, तो मार्केट अभी रेजिस्टेंस पे ही है। सपोर्ट हमारा वो रहे सपोर्ट हमारा 16,695 का रहेगा। और लास्ट वीक जो बुलिश न्यूज़ आई उसके वजह से नैसडेक हमें थोड़ा बुलिश होता हुआ दिखाए, तो इसी की वजह से हमें ये कैंडल की मूव देखने को मिली है। अब मार्केट जब तक ये न्यू हाई ये हाई तोड़ नहीं देती है, तब तक हम लोग इसको डाउन ही एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट इस हाई को तोड़ देती है देन हम उसके आगे का एनालिसिस बाद में देखेंगे। तो ये थी ओवरऑल वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी कमेंट कोई भी फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट करें, एंड शॉर्ट्स को ज़रूर लाइक करें, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, और सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार तुम लोग। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे अपडेटेड।